क्या बाबू? ये दो टी शर्ट है जो मैंने अभी भी ट्राई किया और ये मुझे पसंद आया है, और एक और था जो मुझे पसंद आया है। मम्मी बाहर वेट कर रही हैं। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी भी वॉकिंग ख़त्म की हूँ और ऊपर जा रही हूँ। ये देखो दो फूल मिले मुझे। सो मैं अब ऊपर आ गई हूँ और ऊपर भी हमारे टेरेस गार्डन में कुछ कुछ फ्लावर्स ब्लूम हुए थे, तो ये मैंने कहा ये इसको भी तोड़ लेते हैं चलो भगवान को चढ़ाने के लिए। एंड ये फ्लावर प्लग करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी सबके लिए चाय बनाने, मामा के लिए, पापा के लिए, मेरे लिए। एंड गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, मैं बीच में मनी प्लांट जो यहाँ पे मम्मी रखी थी वो बहुत वायर वायर जैसा हो गया था, लीव्स निकल गए थे, तो मैंने उसको भी कटिंग किया। और बस उसके बाद में अब देखो मैं जा रही हूँ दादी को नाश्ता देने, और नाश्ते में मैंने आज इडली चटनी बनाई थी, टिफ़िन में बनाया था अमन के लिए नाश्ता। तो गाइस मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ दादी ना हंसती है, उनको बहुत मज़े आते हैं उनकी खुद की वीडियो देखने के लिए, सो वो इसी के लिए हंस रही थी मुझे देख के। बउआ के टिफिन के लिए बनाए रहे आज इडली चटनी। ना ही हम पूछे रहे कि तू का खाबे, रोटी सब्जी बनाए कि इडली बनाने वाली है का दे, तो कहे इडली दे पसंद के एक बार पर खा ले ना, उनकी है पसंद बता का करी। अच्छा लग रहा है, धूप आ तो तेरे कही थी माई जीतू आए हां जीतू पता नहीं मैं गाय घूमे जा ना आज कौन वाला मंगल हो ना आज ग हुई बुध हो बुध ग हुई। तो गाइस मेरा नाश्ता देखे हो गया है, मामा और पापा को चाय भी दे दी हूँ, अब मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। यार जो भी मैं भाषा बोली थी ना दादी के साथ में, ये हम लोग के यहाँ पे यूपी में भदोही की तरफ के हैं हम लोग, तो वहाँ पे यही भाषा बोला जाता है। ऑल दो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इस लैंग्वेज में, बट इसका स्पेसिफिक क्या नाम है आप लोग खुद ही मुझे बताइएगा। देखो मैं यहाँ पे ना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, ये लोग चाय पी रहे थे, बट मामा चाचा सॉरी मामा ना देख ही नहीं रहे थे, पता नहीं छुप छुप के क्यों पी रहे हैं। मैं कब से सोच रही हूँ कि उनको थोड़ा सा कैप्चर करूँ चाय पीते वक्त, पर देख ही नहीं रहे। ये नहीं हो गई बाबू उठ गए हैं, बाबू उठ गए। तो गाइस लोग जो बोलते हैं ना कि जब हम माँ बाप बनते हैं तभी हमको एक्चुअल में हमको समझ में आता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे कितने कनेक्टेड होते हैं, तो ये फीलिंग सच में बहुत स्पेशल होती है। एंड कोई भी चाहे कितना भी बोल ले ना कि नहीं हमें पता है कि जो कनेक्शन होता है हम किसी ना किसी के साथ में जो कनेक्टेड होता है ना किसी बच्चे के साथ में, तो वो सही बोलूँ ना तो माँ बाप बनने के बाद में हमको एक्चुअल में समझ में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कनेक्शन है बच्चे के साथ में वो बहुत स्पेशल होता है। ये बच्चे देखो बड़े हो जाते हैं और अभी जो ये आते हैं उठते हैं पहले अपनी मम्मी या अपने पापा सबको ढूंढते हैं ना कहाँ है कहाँ है, बड़े होने के बाद में तो सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो ये जो टाइम होता है ना ये गोल्डन टाइम होता है पेरेंट का अपने बच्चे के साथ में। तो बस मैं तो हर एक मोमेंट को इन्जॉय करती हूँ और ये सारे जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कैप्चर करना चाहती हूँ। सर बेस्ट पार्ट क्या होगा पता है, भले ये टाइम चला जाएगा और ये जो फीलिंग है ये तो हमेशा फ्रेश ही रहेगी। जब भी मैं कभी इसे देखूँगी तो शायद मैं सेम फीलिंग को फील कर पाऊँगी, महसूस कर पाऊँगी। सो बस यही एक मोटिव है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने का। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस आफ्टरनून टाइम है और हम लोग आए हैं अभी डी मार्ट, मैं मम्मी मामा और तारुश हम लोग आए हैं एंड कुछ कुछ शॉपिंग किए हैं, तो आपको मैं कुछ ग्लिम्सेस दिखा रही हूँ जो भी शॉपिंग किया उसकी आसपास का एरिया कैसा दिख रहा है इसका डिपार्टमेंट। पिंक ड्रेस में मम्मी है, बैग सबमिट कर रही हैं। यहाँ पे ना पहले दूसरे साइड में होता था, इस तरफ होता था, बट अभी चेंज हो गया तो हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। यहाँ पे देखो ऑटो वाला अंदर आया है, तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। एंड ये देखो मेरे मामा, ये जो चेक्स वाला शर्ट पहने ये मेरे मामा है सतीश मामा, और ये तारुश भी मालूम है, ये सतीश मामा सबके लिए सतीश मामा, ये कोई मामा नहीं बोलता, ये
टाइनी सा जो मेरा तारुश है ना वो भी सतीश मामा बोलता है। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं और एंट्रेंस में जो पहला जो गली है ना, ये यहाँ पे सारे बिस्किट्स बॉर्नविटास ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड हम लोग देखो आज ग्रॉसरी या स्नैक्स वगैरह कुछ लेने नहीं आए हैं, तो मोस्टली हम लोग क्लोदिंग के लिए आए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे देखो जो क्लोथ होते हैं ना काफ़ी चीप मिल जाता है, और मैं अगर कंपेयर करूँ ना रायपुर के जो डी मार्ट्स हैं, डी मार्ट का ही वहाँ पे भी ब्रांच है, बट जो कपड़े की क्वालिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, चीप भी है और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो हम लोगों ने तो बहुत सारी शॉपिंग की है। तो गाइज़ मैं ऊपर आ गई हूँ मामा मम्मी और तारुश के साथ में, एंड बहुत सारे यहाँ पे क्लोदिंग के वैरायटी थे, टाइप थे, रेंज में भी आपको वैरायटी मिल जाएगी। और चाहे आप नाइट वेयर लो, चाहे कैजुअल आउटफिट लो या एथनिक लो, बच्चों के बड़ों के सबके लिए सारे टाइप के क्लोदिंग थे एंड बहुत सारे रेंज में थे, हर कोई परचेज कर सकता है उस रेंज में है। एंड कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं यहाँ से मम्मी के लिए एक लेगिंग्स और दुपट्टा भी ली थी, तो जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना वो भी 250 से स्टार्टिंग थे, बहुत सारे दुपट्टे 150 के भी थे, लेगिंग्स 200 के रेंज में थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लेगिंग्स भी थे। एंड बच्चों के कपड़े भी काफ़ी रिजनेबल रेट में थे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी रेंज में मिली थी। सो ये जो डी मार्ट है ये रावत में है, एंड रावत का ये जो डी मार्ट है इसमें बहुत सारे क्लोथिंग का तो मुझे बहुत सारा वैरायटी मिला है देखने को। अगर आप पुणे में रहते हैं और पुणे में अगर ये आपके घर के आसपास में अगर ये एरिया आता है तो आप ज़रूर यहाँ पे आके एक बार विज़िट कर सकते हो, एंड आपको बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जो मैंने अभी भी ट्राई किया और ये मुझे पसंद आया है, और एक और था जो मुझे पसंद आया है, मम्मी बाहर वेट कर रही हैं, चलो। सो गाइस भीड़ तो ऐसा था ना जैसे लग रहा था कि फ्री में कपड़े बट रहे हों, जबकि हम लोग वीक डेज में आए हैं, संडे भी नहीं है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे। चलो अब हम लोग बिलिंग कर रहे हैं, जल्दी मिलेंगे, बाय।